तो चलिए दोस्तों, अब आपको नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे जो पीर बाबा की दरगाह शरीफ है, यहाँ पे आप नज़ारा देखिए। बहुत कम लोग जानते हैं, काफ़ी रहस्यमय मज़ार शरीफ है। और यहाँ पे एकांत एरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कम लोग ही यहाँ पे आ पाते हैं। तो आज मैं आपको, शायद आप नहीं आ सकते, लेकिन मैं आपको वीडियो के ज़रिए यहाँ पर दीदार कराता हूँ। और आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दुआ करेंगे, जो भी सभी की दुख तकलीफ है वह दूर हो। और दोस्तों, ये काफ़ी ऊँची है। अभी हम यहाँ पे ऊपर चढ़ने का थोड़ा रास्ता देखते हैं। आपको मैं सेल्फी स्टिक जो है उसके जरिए मैं थोड़ा ऊंचा करके ये दिखा रहा हूँ। बाकी आप नज़ारा देखिए। अभी यहाँ से देखते हैं कहीं से अगर जाने का रास्ता हो वहाँ से। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बना रखी है। पहले मैं आपको यहाँ से थोड़ा ऊँचा करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये अभी यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं और आपको ऊपर से थोड़ा दीदार कराते हैं। ये पूरा यहाँ का नज़ारा। और यह भी हमारे संजय भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। और ये आप देख सकते हो पूरा सीन, और यहाँ से जाने का नज़ारा है। यहाँ से अभी हम ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से हम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ऊपर चलते हैं और पीर बाबा की ज़ियारत करते हैं, दीदार करते हैं, और आपको भी कराते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चबूतरा बना रखा है। ये पत्थर का चबूतरा है दोस्तों। ये पूरा आपको देखने में लगेगा काफ़ी रहस्यमय जगह है। शायद ही कभी आप यहाँ पे आए होंगे, और जो आए हुए हैं वे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पूरा नज़ारा देखिए। तो चलिए दोस्तों, इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं। संजय को बुलाता हूँ, थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ मज़ार शरीफ के ऊपर है और पीर बाबा के दरबार में अभी हम मौजूद है। काफ़ी रहस्यमय है। आप भी ज़ियारत करिए, हम भी ज़ियारत कर लेते हैं। तो ये पूरा ऊपर का नज़ारा है, हजरत पीर बाबा का पूरा मज़ार मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत कम ही लोग यहाँ पे आ पाते, जैसे कि मैंने आपको बताया। पीर बाबा है, यहाँ मज़ार शरीफ है।